हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका. आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सेक्स्ड सीमन इन कैटल ब्रीडिंग. सेक्स सीमन क्या होता है, कैटल ब्रीडिंग में ये कैसे मददगार रहेगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेरे साथ वीडियो अपडेट्स एंड क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको रेलेवेंस समझा दूँ इस टॉपिक का. रेलेवेंस क्या है ये आपके, तो देखिए इसका रेलेवेंस क्या है, मेंस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग में ये आपको पूछा जा सकता है. यहाँ पे हम एनिमल रियरिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव लेवल पर सेक्स्ड सीमन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. सब्जेक्टिव लेवल पर अगर एनिमल्स को ब्रीड कराया जाता है, लाइफ स्टॉक को ब्रीड कराया जाता है, तो किस तरह के चैलेंजेस फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं. अब हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि आज हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है, डेयरिंग एंड फिशरीज, वो प्लान कर रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स जो हैं उनको सेक्स्ड सीमन के सैंपल्स जो हैं कैटल के, वो दिए जाएंगे, जो कि बहुत सस्ते रहेंगे. एक स्ट्रॉ का प्राइस यहाँ पर ₹100-100 रखा जाएगा और 2020 तक वो इसको शुरू करने की बात कर रहे हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट है. डिटेल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इसके सेक्स्ड सीमन के क्या बेनिफिट्स होंगे, ये क्या होता है. उससे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि PDF फाइल्स मेरे लेक्चर के नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने ये क्रिएट किया है टेलीग्राम चैनल. पहले भी था बट इनएक्टिव रहता था, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि PDFs टाइमली आप लोगों को मिल जाया करें. राइट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए अब आते हैं हम सेक्स सीमन पे कि सेक्स सीमन क्या है. पहले बात करते हैं सीमन की. सीमन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है. ओके, जिसमें क्या रहता है, आपके स्पर्म्स, एनिमल्स के स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होता है, इसको हम सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं. अब सीमन का क्या काम है कि जो फीमेल की या फीमेल के एग्स होते हैं या ओवा होता है उसको फर्टिलाइज करता है, यानी स्पर्म एंड ओवा ये फर्टिलाइज होके फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बाद में आपको पता है जो फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म बनता है. ह्यूमन में भी यही प्रोसेस है, एनिमल्स में भी यही प्रोसेस रहता है. तो आपको सीमन पता चल गया, बेसिकली जो गोनाड्स हैं, जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और सीमन कंटेन्स स्पर्म्स, सीमन में स्पर्म्स रहते हैं. अब यहाँ पे सेक्स्ड सीमन का क्या मतलब है, ये बेसिकली एक प्रोसेस्ड सीमन है. जो नेचुरल सीमन हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, इसको प्रोसेस किया जाता है. ये बुल्स का सीमन रहता है, सेमिनल फ्लूइड रहता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है वाई क्रोमोजोम के लिए. उसके स्पर्म सेल से वाई क्रोमोजोम्स को रिमूव किया जाता है, जिससे देखिए वाई क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल काफ के बर्थ के लिए. या तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर इसको टोटली किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. यहाँ पे मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ. देखिए, अगर एक आपके पास फीमेल एनिमल है, यानी काओ है, और यहाँ पे बुल है. अब फीमेल में के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से होंगे, एक्स एक्स. बुल के पास क्या होंगे, एक्स वाई. यानी अगर जिस एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब एक्स वाई हो रहा है, तो मेल काफ आपको मिलेगा. अब यहाँ पे जब ब्रीडिंग करवानी है काओ की और बुल की, जब इनकी ब्रीडिंग होगी, तो यहाँ पे 50% चांसेस है कि फीमेल काओ, जो फीमेल काफ आएगा, और 50% चांस है कि मेल काफ आएगा. राइट, आप देख सकते हैं इसको करके क्रॉस, एक्स के साथ एक्स आ रहा है, ठीक है, फिर एक्स के साथ एक्स वाई आ रहा है, फिर x x आ रहा है, और फिर से x y. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यानी 50-50 चांसेस हैं कि फीमेल काफ आ रहा है, 50% चांसेस है मेल काफ आ रहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि फीमेल काफ ही मिले हमको, काओ ही मिले. तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं कि हम y को रिमूव कर दें या बिल्कुल इसमें से हटा दें, किल कर दें. तो यानी जब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं काओ की, ये आपकी काओ है, ये आपका बुल है, जिसमें Y क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ X है. तो यहाँ पे आपके पास 100% चांसेस हैं, एटलीस्ट 99% से ज़्यादा चांसेस हैं इस प्रोसेस में कि आपको एज अ रिजल्ट जो फीमेल काफ है वही मिलेगा. राइट, तो ये प्रोसेस है सेक्स्ड सीमन. क्योंकि लोग जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो प्रोसेस वो चाहते हैं कि मेल काफ ना मिले उनको, फीमेल काफ मिले, क्योंकि फीमेल काफ की ज़्यादा वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है. तो यानी सेक्स्ड सीमन क्या हो गया, ये वो सीमन है जिसमें सिर्फ आपको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा. एक्स क्रोमोसोम्स का मतलब आप समझ गए कि एक्स क्रोमोसोम है, तो यानी फीमेल जो काफ है, काओ ही आपको मिलेगी एज अ रिजल्ट जो ब्रीडिंग के बाद. तो इससे फीमेल आप इंश्योर कर देते हो और फार्मर्स को इसका फ़ायदा होगा. तो यही चीज़ गवर्नमेंट अब स्ट्रॉज जो सीमन कलेक्ट किया जाएगा उसमें प्रोसेस करके बेचा जाएगा. अब देखिए इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है. ऑलमोस्ट ये टेक्नोलॉजी मैं आपको बता चुकी हूँ. रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है कैटल का, काओ का, ये ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. जैसे मैंने आपको बताया, काओज में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, बुल का सीमन जो है उसमें बोथ एक्स भी है वाई भी है. ह्यूमन्स में भी यही होता है. लेकिन अब देखिए लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं,
क्योंकि मेल काव्स अगर रहते हैं तो उनको पालने का फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना वो आपको मिल्क दे रहे हैं. अगर देखिए आपके पास काव है तो आपको उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको मिल्क मिल रहा है, तो आपको पैसे फार्मर्स के पास एडिशनल इनकम आ रही है, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनको काव मिले. लेकिन अगर सपोज बुल हो जाता है तो उल्टा उनको वो फाइनेंशियल बर्डन लगने लग जाता है कि अब इसकी देख रेख कौन करेगा, इसको खाना कौन खिलाएगा, राइट. तो बहुत बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बुल्स को जो मेल काफ होता है उसको सड़कों पर छोड़ जाते हैं, फिर कई बार वो एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उनका कोई ओनर नहीं होता, राइट. उनको अबैंडन कर दिया जाता है क्योंकि उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा फार्मर्स को. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, सेक्स्ड सीमेन प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं इनके पास, या दो टेक्निक्स क्या है. पहला है सॉर्टिंग, पहले को बोलते हैं ये सॉर्टिंग प्रोसेस. सॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक्स और वाई को सेपरेट किया जाता है, साथ साथ है एक्स वाई को आपने अलग अलग कर दिया, और फिर एक्स को ही सिर्फ रखा जाता है, वाई को रिमूव कर दिया जाता है. तो वाई को आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया. दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे कि ऑल टुगेदर जो वाई क्रोमोसोम, ये जो वाई है इसको हटा दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ख़त्म ही कर दिया जाता है, ठीक है. तो ये दो प्रोसेस हैं जिससे ये टेक्नोलॉजी आपकी चल रही है. अब अगला क्वेश्चन है कि ये मेथड आफ्टर ऑल यूज़ क्यों हो रहा है. तो इसके लिए अगर आपसे कोई पूछता है तो फर्स्ट रीज़न यही है, फाइनेंशियल बर्डन का, जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि फार्मर्स को मेल काव्स का फाइनेंशियल बर्डन लगता है. इस वजह से हमें बहुत सारे जो कैटल हैं, जो बुल्स हैं, वो सड़कों पे, स्ट्रीट्स में यूं ही मिलते हैं, और बहुत बार बहुत बुरी मौत, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. और काउस को भी लोग वैसे अबैंडन कर देते हैं, अगर आपने देखा होगा, जब वो दूध देना बंद कर देती हैं. तो जो कमर्शियल फार्मर है, कोई बिजनेसमैन फार्मर है जिसके पास 100 से भी ज़्यादा गायें हैं, तो अगर उनमें से, अगर उसके पास 100 से भी ज़्यादा काउज हैं, उनमें से 50 गाय भी अगर बुल को जन्म देती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो उसको रेज करे, तो इस वजह से बर्डन उनको लगने लग जाता है. अब बात करेंगे सक्सेस रेट, कि इस टेक्नोलॉजी का सक्सेस रेट क्या है. देखिए, किसी भी चीज़ में आप 100% गारंटी तो नहीं दे सकते कि फीमेल काफ ही होगी, 100% गारंटी देना बहुत मुश्किल है, बट हाँ 90% आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि जो है फीमेल काफ बॉर्न होगी. अब ये 10% केसेस में आप गारंटी क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक प्रोसीडियर है, टेक्नोलॉजी है. हो सकता है जहाँ पे आपने वाई को पूरी तरीके से मारने की कोशिश की है, किल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई वाई रह गया है वहाँ पे. अगर आपने इसको सॉर्टिंग प्रोसेस में अलग करने की कोशिश की है, तो भी हो सकता है कि जो फ्लूइड आप कलेक्ट कर रहे हैं, सेमिनल फ्लूइड, उसमें कोई रह गया है, तो उससे चांसेस हो जाते हैं कि मेल काफ का भी जन्म हो सकता है, इवन आफ्टर अगर आपने सॉर्टिंग या किलिंग वाई क्रोमोसोम की है. तो ये जस्ट क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, मैनुअल प्रोसेस है, उसमें ये एरर आ सकता है, इसलिए जो गारंटी है यहाँ पे, सक्सेस रेट यहाँ पे 90% हम मान के चलते हैं. और इस चीज़ को, फाइनेंशियल बर्डन वाली चीज़ को, आप एक और तरीके से समझा सकते हैं कि मेल काव्स के साथ क्या इशू है. देखिए, अगर काव इनसेमिनेट होती है, प्रेग्नेंट होती है, फिर 9 से 10 महीने वो वैसे ही कुछ ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर सकता, काव का देख रेख करेगा, और उसके बाद एक बुल मिलता है उसको, तो लॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मर को हो जाता है. ओके, यहाँ पे जो ये AI है, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझना, इंसेमिनेशन. ओके, कि हम आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे इंसेमिनेशन करा रहे हैं. जैसे ह्यूमंस में आपने IVF टेक्निक के बारे में सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसी तरह से एनिमल्स में हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं. कन्वेंशनल सीमेन जो है, यानी जो नेचुरल सीमेन लिया जाता है एनिमल से, उसको फ्रीज करके रखा जाता है 0.25 ml की वाइल्स में, जिसको हम स्ट्रॉज बोलते हैं, और ₹50 पर इंसेमिनेशन डोज जो है वो दिया जाता है. ठीक है, ये है गया, ₹50 में आपको नेचुरल सीमेन मिल रहा है, क्योंकि बहुत बार जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी ब्रीड के बुल के सीमेन लेना चाहते हैं, तो उनको वो ₹50 में नेचुरल सीमेन मिल जाता है. लेकिन जब ये प्रोसेस करके वाई क्रोमोसोम रिमूव किया जाता है, सेक्स्ड सीमेन बनाया जाता है, तब फार्मर को इसकी कॉस्ट कितनी बनती है, एक तो ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, फिर वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, 1200 से लेकर ₹2600 तक पर स्ट्रॉ फार्मर को ये कॉस्ट जो है वो पड़ती है, जिसको गवर्नमेंट किस पे लाना चाहती है, ₹100 में, ₹100 में, जो अभी 1200 से 2600 के बीच में है. और गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही है, क्योंकि आज तक जो हमारे देश में यूजुअली फार्मर्स सेक्स्ड सीमेन अगर यूज़ करते हैं तो इम्पोर्टेड होता है, वो बाहर से आते हैं, राइट. और इस बहुत ही बड़ा कंबरसम प्रोसीडियर रहता है, इसमें आपको सेंटर, स्टेट दोनों लेवल से आपको जो अप्रूवल्स हैं वो लेने पड़ते हैं. तो अगली बात यहाँ पर हम करेंगे कि इसमें मोनोपोली किसकी है.
पहली बार ये टेक्नोलॉजी अगर बात करें कहाँ पे शुरू हुई, किसने शुरू की, देखिए जॉर्ज ई सेडल थे, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिस्ट थे, ये कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में यूएस में, जिन्होंने ये पूरी रिसर्च जो है सॉर्टिंग प्रोसेस की शुरू की कैटल के लिए ऑलमोस्ट लेट 1990s में। सेडल और उनकी जो टीम है उन्होंने डेवलप कर लिया था ये प्रोसेस कि किस तरह से सेक्स सॉर्टेड कैटल सिमेन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको फ्रीज कर सकते हैं और जिसको आगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज़ किया जाता है। अपनी रिसर्च के बेस पे ही उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया XYINC। बाद में इसको सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज ST करके एक कंपनी है, सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज टेक्सास में बेस्ड है, उसको ये बेच दी गई। और अभी करेंटली अगर बात करें तो मोस्टली राइट सीमन सॉर्टिंग के इस टेक्नोलॉजी के ST के पास हैं काफ़ी समय से। और ST क्या करता है, इंटायर सेटअप जो है रॉयल्टी अमाउंट लेकर कहीं पे भी इंस्टॉल करता है। उसके बाद ST के बाद एक और US बेस्ड कंपनी है ABS ग्लोबल, जिसको पहले अमेरिकन ब्रीडिंग सर्विसेज बोला जाता था, वो भी इस तरह की एक कटिंग एज टेक्निक लेके आए। यहाँ पे तो जो ये वाली जॉर्ज ई सीडल की बता रही हूँ ये सॉर्टिंग टेक्निक है, यहाँ पे अलग सेपरेट किया जाता है, लेकिन जो ABS टेक्निक लेके आई ये दूसरी टेक्निक लेके आई जहाँ पे वाई को टोटली मार ही दिया जाता है, किल, इस क्रोमोसोम को ख़त्म कर देते हैं, राइट। ये ABS जो US बेस्ड कंपनी है वो ये टेक्निक लेके आई। डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक्स हैं, टेक्नोलॉजी को अभी भी इम्प्रूव होना है। और सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी की भारत में क्यों इतनी आवश्यकता है, इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि हमारे देश में मेल काव्स को स्लॉटर हाउस में इतने फ्रीली नहीं भेजा जाता, राइट। फॉरेन कंट्रीज में तो आप स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भारत में इस चीज़ को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब आते हैं, अभी तक करंट अफेयर की हमने बात की, आपने एक नई टर्म सीखी है आज, सेक्स सीमन और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है और क्या साइंस इसके पीछे यूज़ हो रही है। अब जो कॉन्सेप्ट है सेक्स क्रोमोसोम के पीछे, आई होप XX एंड XY वो आपको समझ आया होगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको और देती हूँ सेक्स क्रोमोसोम्स के, एनिमल रेयरिंग को पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। देखिए सेक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। एनिमल्स में भी सेम केस है, काऊ होगा या बुल होगा, तो इनको साइंटिस्ट ने XY से डेजिग्नेट किया है। अब ह्यूमन बीइंग्स में आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स का है, जो बाकी के 22 क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर बोलेंगे यहाँ पे, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, ओके। जो एक पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि आपका या तो XX होगा फीमेल के केस में और मेल के केस में XY होगा। इन दोनों की अगर आप देखेंगे कि किस तरह से दिखते हैं, वो भी जो एक्स है ये बहुत ज़्यादा जो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उन जैसा दिखता है, लेकिन जो वाई है इसकी एक आर्म बहुत शॉर्ट और एक बहुत लॉन्ग आर्म रहती है, ये थोड़ा अलग दिखता है वाई क्रोमोसोम। फिर हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेल डिविजन में मियोसिस, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। ये मियोसिस के टाइम में बेसिकली जो पाथ है कि एक जो इंडिविजुअल है मेल होगा या फीमेल होगा उस टाइम डिसाइड हो जाता है, क्योंकि मियोसिस के टाइम जो एक्स वाई आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं कि एक्स जाएगा, जैसे एक फीमेल है यहाँ पे और यहाँ पे मेल है, तो मियोसिस के टाइम ये डिसाइड होता है कि यहाँ से कौन सा वाला एक्स आएगा, यहाँ से एक्स आएगा या वाई आएगा, ये चीज़ मियोसिस के टाइम डिसाइड होती है, अभी आप याद रख सकते हैं, राइट। तो अगर याद रखिए XX है तो फीमेल, XY है तो मेल, ये चीज़ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। चलिए हम एनिमल रियरिंग पे बात करेंगे अब थोड़ी सी। देखिए एनिमल रियरिंग का बिजनेस एग्रीकल्चरल बिजनेस है, एक तरह का एक एसोसिएट बिजनेस है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का, यानी फार्मर्स क्रॉप्स के साथ, फार्मिंग के साथ साथ ये बिजनेस भी करते हैं, इससे भी उनको साइड इनकम आती है। तो ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है इंडियन एग्रीकल्चर का, जो कि लाइवलीहुड, बहुत लोगों का जो रोज़गार है उसको सपोर्ट करता है। अराउंड 55% जो रूरल पॉपुलेशन है वो इस पर डिपेंड करती है, और भारत वैसे भी हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर है दुनिया में। और जो ऑब्जेक्टिव है हमारा एनिमल रियरिंग का, जो एनिमल को हम पालते हैं इस पर्पज़ के लिए कि हम उसको कमर्शलाइज कर सकें, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर, कि ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा होगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो इनकम है रूरल एरियाज़ में वो जनरेट हो सके। तो इन शॉर्ट बात करेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनकम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट आ रही है, खाना आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी फील होगी फार्मर्स को, मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम इंडिया में चलता है,
ओवरऑल हमारी इकोनॉमी और फार्मर्स का लाइवलीहुड इससे सपोर्ट होता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है एनिमल रेयरिंग का. और ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली फार्मर्स को फ़ायदा होगा तो जो पॉवर्टी है हमारे देश में उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को. वुमेन इस तरह का काम बहुत करती हैं गाँव में, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में इनको इंक्लूड किया जा सकता है. और बहुत सारे बाकी जो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा स्टेबल और फास्टर भी है. लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है लाइफ स्टॉक को डेवलप करने के लिए. जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोमिसज होते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए, वो कभी पूरा नहीं कर पाते. सुपीरियर क्वालिटी जो बुल्स हैं ब्रीडिंग के लिए, कई बार वो अवेलेबल नहीं होते. तभी मैंने आपको बताया बहुत इस तरह का सीमेन जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है. सीमेन की क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर होती है. फॉर्डर रिसोर्सेज नहीं होते लोगों के पास, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है. और फार्मर्स के पास भी अच्छी स्किल्स और क्वालिटी सर्विसेज नहीं होती, जो कि चैलेंजेस ये लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में फार्मर्स फेस करते हैं. तो डेफिनेटली प्रमोट, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रमोट किया जाए, कमर्शियलाइजेशन इंक्रीज की जाए, फॉर्डर लोगों को अवेलेबल, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की एक एक वर्ड में, उन सब की अगर अवेलेबिलिटी हो तो हम प्रमोट कर सकते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर को. इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. राष्ट्रीय गोकुल मिशन है आपके पास, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है. सिर्फ नेम ले रही हूँ इनको डिस्कस, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में किया तो नहीं करूँगी, अलग से भी किया है. नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, कैटल एंड बॉफलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज है. तो गवर्नमेंट ने भी इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लिया है. तो वे फॉरवर्ड में हम यही बात कर सकते हैं कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं लाइफ स्टाइल हस्बेंड्री के लिए, कैसे इसकी परफॉर्मेंस हम स्कीम्स के थ्रू एनहांस कर सकते हैं. अगर विल हो गवर्नमेंट की और फार्मर्स को अवेयर किया जाए तो इससे बहुत अच्छा एक जो सेक्टर और जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट हो सकती है, और भारत को कॉम्पिटेंट काफ़ी कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ा सकता है ग्लोबल मार्केट में भी, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो किसका होगा इस सेक्टर में, फार्मर्स, राइट. तो यही था मेरा आज का डिस्कशन. कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.